वेल गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख के आप लोग को समझ तो आ ही गया होगा कि एक्चुअली मैं यहाँ पे कहाँ पे आया हूँ आज। एंड वेल या दिस इज अ वेफर शॉप। एंड इस वेफर शॉप की अगर मैं बात करूँ तो द नेम ऑफ द वेफर शॉप इज बाबा हरदेव वेफर एंड विच इज एस्टेब्लिश्ड 20 years अगो। 20 साल पहले से ये खुला हुआ है। तो पहले अब तक क्या होता था कि सारी जो सिटीज़ है, पूरी जो नडियाद सिटी है, उसमें इनके 8 ठेले हैं। तो हर जगह मतलब आपको एक ठेला मिल जाता है, तो कहीं से भी आप उसको बाय कर सकते हैं एंड फिर लोग ले सकते हैं। अभी इन लोगों ने नया कॉन्सेप्ट क्या लाया है कि वेफर्स को यहाँ पे लाइव किया हुआ है। मैं ये वेफर्स काफ़ी साल से ट्राई खा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेफर्स एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों से लेके बूढ़ों तक तो सबको पसंद आती है। और उसमें जो मेन थिंग इज वेफर में क्या होता है, एक तो उसकी क्रंचीनेस होती है, एक तो उसका टेक्सचर होता है एंड उसके ऊपर आप जो भी स्पाइसेस डालते हैं, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। क्योंकि जो फ्लेवर आएगा वो स्पाइसेस से आएगा, जो उसका जो टेक्सचर होगा वो आप उसको कैसे तलते हैं, जो आलू की जो क्वालिटी कैसी यूज करते हैं उसके ऊपर सब डिपेंड है। तो एंड क्रंचीनेस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बट वी कैन से मैं इसको देसी प्रिंगल बुला सकता हूँ बिकॉज प्रिंगल इज दैट मच फेमस फॉर द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी एंड दिस इज ऑल्सो वेरी मच फेमस हेयर। तो यहाँ पे अगर वेराइटी के बारे में देखे जाए तो एक तो ये आलू की एकदम बिना मिर्च वाली है, जिसमें कोई भी मिर्च यहाँ पे नहीं है। यू कैन से इट्स ओनली सॉल्ट। एंड उसके बाद में अगर दूसरी यहाँ पे देखे जाए तो ये है मिर्च वाली तिक्खी, जो काफ़ी एक तो क्रंची रेसेस की काफ़ी ज़्यादा है, एकदम पतली पतली थिक है। तो आई गेस इसको देख के ही हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें जो आलू की क्वांटिटी है दैट इज़ अ वेरी मच यू नो गुड क्वालिटी। सो ये दो हो गई। एंड तीसरी जो यहाँ पे मेन सबको जो पसंद आती है वो है पेपर वाली। तो इट इज़ अ सॉल्ट एंड पेपर, सो विच एक्चुअली यू नो परफॉर्म्स द फ्लेवर वेरी गुड। यप। एंड ये तो हो गई आलू की बात। आलू के बाद में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे है ये बनाना वेफर। तो इसको लाइव अभी कैसे बनती है ये बनाना वेफर वो अभी हम लोग देखेंगे आगे बाहर जहाँ पे ये तली जा रही है। उसके बाद में ये इसकी जो फैक्ट्री है जहाँ पे पोटैटो वेफर्स बनाई जाती है, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे एंड वहाँ पे भी देखेंगे कि पोटैटो वेफर्स कैसे बनती है। राइट। सो ये जो केले की है ये सिर्फ मिर्च वाली है, मिर्च एंड सॉल्ट। तो ये वेल आई गेस काफ़ी तीखी है लेकिन टेस्ट में इट जस्ट ऑसम यू नो। एंड उसके बाद में अगर केले के अंदर ओनली पेपर वाली ये रही, ये है केले में सिर्फ पेपर वाली। यस सॉल्ट एंड पेपर। तो वैरायटी अगर वेल प्राइस वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड वैरायटी की अगर बात करें तो आलू के इसमें 3 वैरायटी, एक तो मिर्च वाली, सॉल्ट वाली एंड पेपर वाली। केले के अंदर भी 3 वैरायटी, मिर्च वाली, सॉल्ट वाली एंड पेपर वाली। एंड आलू के अंदर एक जो दूसरी है जिसको जाली वाली हम लोग बोलते हैं, ये रही। ओके यस। तो इसको थोड़ा अगर नज़दीक से देखेंगे तो इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड जालीदार। एंड ये एक्चुअल में बाकी ये जो सारी वेफर्स है उनसे ये थोड़ी महंगी है। तो वेल इसमें ऐसी क्या कौन सी खास बात है वो अभी बताऊंगा मैं। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेक्सचर है इट इज़ वेरी 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 स्पॉन्जी एंड इट इज़ वेरी स्मूथ। सो वेल इसके लिए इसकी प्राइस भी ज़्यादा है। इसमें जो आलू है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। एंड ये तो हो गई वेफर्स की बात। अभी एक और चीज़ यहाँ पे जो है वो है तीखा चेवड़ा एंड जिसको आप उपवास के अंदर खा सकते हैं। बाय द वे एक चीज़ मैं ये बता दूँ कि ये सारी वेफर्स आप उपवास के अंदर खा सकते हैं, फिर चाहे वो मिर्च वाली हो, सॉल्ट वाली हो। सॉल्ट उसमें वो काला नमक यूज़ किया जाता है जो हम लोग फास्टिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो वेल ये चेवड़ा है ये भी एक फास्टिंग की चीज़ है। तो वेल ये थोड़ा सा मीठा है यू नो एंड तीखा वाला इफ यू वांट, तो ये है तीखा वाला। प्राइसिंग वगैरह इसका क्या है वो आपको इधर यहाँ पे मिल जाएगा। या सो दैट्स इट। अभी चलो देखते हैं कि क्या अभी कैसे बन रहा है एंड ऑल। सो चलो
Thank you.